जहाँ एक तरफ वेदों और पुराणों में भगवान को एक निराकार रूप का दर्जा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पुराणों में त्रिदेवों के जन्म से संबंधित कहानियों के बारे में भी बताया गया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे देवों के देव महादेव यानी शंकर भगवान के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानियों के बारे में। हमें पुराणों में पढ़ने को मिलती इन कहानियों में जानेंगे कि आखिर भगवान शिव का जन्म कब हुआ और उनके जन्म के पीछे की वजह क्या थी। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे भगवान शिव के जन्म कथा के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हिंदू धर्म में कुल 4 वेद और 18 पुराण हैं। इन वेद पुराणों में देवी देवताओं के जन्म से लेकर उनके अवतार और अन्य कृत्यों की जानकारी का वर्णन किया गया है। लेकिन दुविधा की बात यह है कि कुछ समान बातों के अलावा सभी कहानियों का अलग अलग तरीके से बखान किया गया है, जो इन जानकारियों की विश्वसनीयता को और अधिक पेचीदा बना देता है। पुराणों में त्रिदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्म से जुड़ी कहानियों का भी उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण की कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न तेज से हुआ है। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालपन का एकमात्र वर्णन है, क्योंकि और कहीं भी उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फल के तौर पर एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में आ गया। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो यह सवाल किया कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर बालक ने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात को सुन ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र नाम दिया। इस नाम का अर्थ था रोने वाला। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप नहीं हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए। वे 8 नाम हैं रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। और यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से जाने जाते हैं। भगवान शिव के जन्म के पीछे की इस पूरी कहानी की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड, धरती, आकाश, पताल जलमग्न था, उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी अस्तित्व में नहीं था। उस दौरान केवल भगवान विष्णु ही थे जो जल में शेषनाग पर विश्राम करते हुए नजर आ रहे थे। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर भगवान शिव की उत्पत्ति माथे के तेज से हुई। ब्रह्मा जी ने शिव को देखा तो पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी के इनकार से भगवान विष्णु को यह भय सताने लगा कि कहीं भगवान शिव जी रूठ ना जाए। इस कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें शिव के बारे में स्मरण हो गया। सब कुछ स्मरण होते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न
मधु कैटप के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना का कार्य आरंभ किया तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। इसी समय उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आया और आशीर्वाद को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर एक बालक उनकी गोद में प्रकट हो गया। विष्णु पुराण की माने तो भगवान शिव के पिता ब्रह्मा जी ही थे जिन्होंने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा था और फिर समय आने पर सृष्टि के निर्माण में शिव जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। शिव पुराण में जन्म से जुड़ा भगवान शिव का रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है, वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभु हैं, जिनका जन्म स्वयं हुआ है। जिस प्रकार शिव स्वयंभु हैं, उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले शिवलिंग को भी स्वयंभु माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि उन शिवलिंगों को कहीं से निर्मित नहीं किया गया है, वे खुद ही नर्मदा नदी से निर्मित होकर बाहर निकले हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयंभु होने के कारण अपने साथ कई विशेषताओं को लिए हुए हैं। जिस घर में भी इस स्वयंभु शिवलिंग को पूजा जाता है वहां भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आपको वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।